अगर मैं आपसे कहूं कि लोग वर्चुअल जमीन खरीदने के पीछे सचमुच के अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं तो शायद आप मेरी इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग किसी गेम में पैसा लगाने वाले छोटे बच्चे नहीं, बल्कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं। इन्होंने ऐसी जमीन के पीछे अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, ये आभासी जमीन है, यानी इसका असली जमीन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और जल्द ही आप भी यहाँ सिर्फ जमीन ही नहीं खरीदेंगे, बल्कि घर भी बनाएंगे, ऑफिस भी बनाएंगे, बिजनेस भी करेंगे, कॉन्सर्ट्स भी अटेंड करेंगे, और वो सब कुछ करेंगे जो आप अभी अपनी असली दुनिया में करते आ रहे हैं। नहीं, हम हवा में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ये असल में होने जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मेटावर्स की, और ये फेसबुक के मेटावर्स से थोड़ा अलग है, या यूं कहें उससे कहीं ज्यादा है। आपको बताएं कि मेटावर्स आखिर क्या चीज है और ये कैसे काम करेगा, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये इंटरनेट की दुनिया में किस प्रकार से बदलाव लेके आने वाला है। शुरुआत करते हैं वेब 1 से। ये वो दुनिया थी जब इंटरनेट बस लॉन्च ही हुआ था और वहां सब कुछ टेक्स्ट बेस्ड थी, यानी हर चीज सिर्फ टेक्स्ट में उपलब्ध होता था। यहाँ कोई इमेजेस, ऑडियो या वीडियो मौजूद नहीं थे। इसके बाद आया वेब 2, जहाँ पे टेक्स्ट के साथ इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, इमर्सिव एक्सपीरियंस, और यहाँ तक कि हाल ही में जो स्पाइडरमैन मूवी आप 3D में देख कर आए हैं, वो सब कुछ शामिल है। अब बड़ा सवाल ये है कि वेब 2 के बाद क्या, और यही एंट्री होती है मेटावर्स की। मेटावर्स को वेब 3 कहा जा रहा है, यानी आने वाले 5 से 10 सालों में आपके इंटरनेट को यूज करने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा और आप पूरी नई दुनिया में शिफ्ट हो जाएंगे जिसका नाम मेटावर्स है। आने वाले सालों में मेटावर्स एक हॉट टॉपिक बन के उभरेगा। इसे आप फेसबुक से मत रिलेट करिए। दरअसल हाल ही में फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम बदल के मेटा कर लिया, लिहाजा लोग मेटावर्स को मेटा से जोड़कर देखते हैं। मगर ये सिर्फ फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके मायने उससे कहीं ज्यादा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक होता है रियल वर्ल्ड, जिसमें हम और आप रहते हैं, और दूसरा होगा वर्चुअल वर्ल्ड, यानी मेटावर्स। मेटावर्स कोई हाल ही का कॉन्सेप्ट नहीं है, दरअसल ये एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। 1992 में स्टीवन स्टीफेंसन नाम के एक ऑथर ने स्नो क्रैश नाम की एक साइंस फिक्शन नॉवेल को लॉन्च किया था, और इसी में उन्होंने मेटावर्स नाम के टर्म को पहली बार इस्तेमाल किया था। मेटावर्स यानी वो दुनिया जो असल दुनिया से पैरेलली चलती है, लेकिन वो एक वर्चुअल वर्ल्ड होती है, यानी वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्होंने अपनी नॉवेल स्नो क्रैश में ये कल्पना की थी कि लोग मेटावर्स में अपने अवतार के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। जैसे रियल वर्ल्ड में आपको घर बनाने के लिए या ऑफिस खोलने के लिए एक प्लॉट या लैंड की जरूरत होती है, उसी तरीके से मेटावर्स में भी आपको अपना घर बनाने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, स्कूल चलाने के लिए या कोई भी कॉन्सर्ट करने के लिए एक लैंड या प्लॉट का टुकड़ा खरीदने की जरूरत होती है, और इसीलिए लोग वर्चुअल लैंड को खरीद रहे हैं। हाँ, मगर इसके लिए पैसे असली ही देने होते हैं। मेटावर्स में आए दिन जमीन खरीदने के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लोग करोड़ों रुपए खर्च कर मेटावर्स में अपना प्लॉट खरीद रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा वर्चुअल प्लॉट जो असल जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करता, और आप वहां पर अपना घर, ऑफिस या कुछ भी नहीं बना सकते, उसके लिए लोग असल के करोड़ों रुपए खर्च करेंगे? मगर ये सच है। जी हाँ, लोग वर्चुअल प्लॉट खरीदने के पीछे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अब बताते हैं कि असल में मेटावर्स है क्या चीज। मेटावर्स में दरअसल काफी अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और कई प्रकार के वीडियो टूल्स का इस्तेमाल करके मेटावर्स बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत की जा चुकी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने मेटावर्स की शुरुआत कर चुकी है। इसके साथ ही कई बड़े बिजनेस हाउसेज अब मेटावर्स की दुनिया में पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट दरअसल ये है कि इस वर्चुअल दुनिया में लोग मीलों दूर होकर भी आपस में एक साथ रहने का एहसास महसूस कर सकेंगे, और यहाँ स्क्रीन की ज़रूरत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि मेटावर्स कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटावर्स हर उस जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ आप अभी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे हैं। जी हाँ, गेमिंग सेक्टर से लेकर आपकी ऑफिस की मीटिंग्स कंडक्ट करने तक
मेटावर्स हर जगह काम आ सकता है। आसान भाषा में समझे तो मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया होगी जहां आपकी आइडेंटिटी होगी, आपका घर होगा, मगर वहां आप नहीं, आपका अवतार प्लेस्ड होगा और इस अवतार को आप ही कंट्रोल करेंगे। उदाहरण के तौर पर बात करें तो अगर आप मेटावर्स में हो रहे किसी लाइव कॉन्सर्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकेंगे, भले ही वो आपके रहने वाली जगह से मीलों दूर ही क्यों ना हो। ये वीडियो फॉर्मेट में दिखाए जाने लाइव कॉन्सर्ट से काफ़ी अलग होगा। इस कॉन्सर्ट में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस जगह पर लाइव मौजूद हैं और हर उस चीज़ को फील, सुन या देख सकते हैं जिसको आप असल दुनिया में देखते, फील करते या सुनते हैं। हाँ, कॉन्सर्ट में आपका अवतार उस जगह पर रहेगा, मगर फील ऐसा ही होगा कि आप खुद उस जगह पर मौजूद हैं। आप मेटावर्स के लिए यूज़ किए जाने वाले टूल की मदद से ऐसा फील कर पाएंगे कि आप उसी जगह पर मौजूद हैं और दूसरे लोगों के अवतार के साथ, यानी दूसरे लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप उनकी बात सुन और समझ भी पाएंगे और यहाँ तक कि अपने तरीके से, अपने एक्सप्रेशंस के साथ ही दूसरों को रिस्पॉन्ड भी कर पाएंगे। जी हाँ, आपको ऐसा ही फील होगा कि आप किसी से सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। आज की इस दुनिया में भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण आपका ट्रिप करना या कहीं ट्रैवल पर जाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, मगर मेटावर्स में ये सब कुछ इतना आसान होगा क्योंकि आप घर बैठे ही वर्चुअल ट्रिप्स भी कर सकेंगे। अगर आपने कभी कोई VR हेडसेट पहनकर कोई वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक वीडियो के कंपैरिजन में वो कितना रियलिस्टिक फील होता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। पर VR हेडसेट मेटावर्स की दुनिया की एक छोटी सी शुरुआत भर है। इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जिसकी शुरुआत फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने कर दी है। जल्द ही इसके जरिए आप वो सब कुछ कर पाएंगे जिसे आपने कभी फिल्मों में देखा था। फिर वो चाहे आयरन मैन की तरह होलोग्राम के जरिए नए नए गैजेट्स बनाना हो या डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चुटकी बजाते ही टेलीपोर्ट करना, ये सब कुछ मेटावर्स का हिस्सा होगा और आप इसी में जिएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपके मेटावर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर पूछें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही खबर बेबाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।